गुटखा का खा रहे हैं आप? हम नियारत है कि नींद ना लगे, ये लिए खाते हैं कि आँख नहीं। जितना भी स्टेटमेंट है लॉकडाउन के बाद का, मैं स्टेटमेंट जाली है, नकली है, नकली बना करके टेम्पू चालक को लूट रहा है। आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। लगातार बिहार में कर्ज को लेकर आप देख रहे हैं, कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कभी पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। आज उसी प्रकार से ये ऑटो चालक हैं जो कि दानापुर में मिले हैं, और जब जाने कि मैं पत्रकार हूं तो ये पकड़ कर रोने लगे, इस प्रकार से रोने लगे कि इतना इनको टॉर्चर किया गया है फाइनेंस कंपनी के द्वारा कि ये परेशान होकर ऑटो भी खड़ा कर दिए और लगातार अपनी पीड़ा को कह रहे हैं कि भैया मेरा जो बात है वो आप सुनिए और लोगों के बीच रखिए। तो आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इनकी बातों को सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, आ जाइए थोड़ा बाहर आ जाइए। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? यहाँ भिखा चक्र रहते हैं चितकोणा में। ऑटो कब से चला रहे हैं? हम चला रहे हैं 1998 से। 98 से ये ऑटो कब खरीदे थे? 2019 में। 19 में कौन कंपनी से लिए थे? बजाज से। बजाज से लिए थे जी। और हिंदुजा से क्या फाइनेंस? हिंदुजा लैंड फाइनेंस किया था। फाइनेंस किया था। अच्छा, ये सब का हाथ में क्या रखे हुए हैं? ये जो पैसा दिए हैं ओकरा कागज रखे हैं। कितना पैसा दिए हैं, कितना लिए थे? वो हमको 172,000 रुपया दिया था। अच्छा। अब 65,000 रुपया सूद बनाया था। अच्छा। दोनों मिला करके 238,000 रुपया हुआ था। अच्छा। हमने 238,000 रुपया जूने जुलाई में दे चुके हैं। अच्छा। जब हम जाते हैं अपना नो ड्यूज मांगने तो हमको बेइज्जती करके खदेड़ देता है। अच्छा। उदंडई बोलता है। अच्छा। और ज्यादा पैसा मांगता है। अच्छा। कि 25,000 रुपया और लाओ तो आपको नो ड्यूज दिया जाएगा, नहीं तो कहीं जाओ, कहीं नेता पास जाओ, कहीं थाना जाओ, आपको नो ड्यूज नहीं दिया जाएगा। इस बात के लेकर के हम कृष्णापुरी थाना में भी सनहा भी दिए हैं। अच्छा, कि मेरा गाड़ी घींच लेगा? नहीं, हमको नो ड्यूज नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, ऑफिस में जाने पर बैठी करता है, ढकेल कर सीढ़ी से बाहर कर देता है। अच्छा, गुटखा का खा रहे हैं आप? हम नियारत है कि नींद ना लगे, ये लिए खाते हैं कि आँख नहीं झपके। अच्छा। हम नी ड्राइवर आदमी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, पर्चा दिखाइए तो, ये सब क्या है, रसीद है? हाँ, स्टेटमेंट, इसका जितना भी स्टेटमेंट है लॉकडाउन के बाद का, मैं स्टेटमेंट जाली है, नकली है, नकली बना करके टेम्पू चालक को लूट रहा है। अच्छा, देखिए तो ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हिंदुजा फाइनेंस का नाम आप लोग सुने होंगे, उसी पे लैंड फाइनेंस। हाँ, हिंदुजा लैंड फाइनेंस। और आप देख सकते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कंपनी के तरफ से, और ये पूरा पैसा भी पेड कर चुके हैं, फिर भी जो है 25,000 रुपया बताया जा रहा है और इनको परेशान किया जा रहा है। कोई फाइनेंसर का नाम आपको याद है? उसमें क्या? हाँ। थे कौन, दीपक श्रीवास्तव? अच्छा। हाँ, जो है कि ना है हमको पता नहीं है। अभी कौन फोन करता है आपको, चाहे पैसा मांगता है? कोई हमसे पैसा नहीं मांगता है, ना फोन करता है। हम जाते हैं तो बोलता है कि नहीं, आपको नो ड्यूज नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑफिस में जाते हैं तब तो आपको कहता है कि नो ड्यूज नहीं मिलेगा? हाँ, नो ड्यूज लेना है तो 40,000 रुपया और लाओ और नो ड्यूज लेके जाओ। अच्छा। हाँ, तो बाकी आप सोच सकते हैं, देखिए किस प्रकार से एक ऑटो चालक दिन भर में कितना कमा लेते हैं, 400-500 रुपया तो परिवार चल जाता है इससे। वैसे ही हम नहीं जीते हैं, क्या करें, कहाँ नौकरी मिलेगा? तो देखिए, नौकरी नहीं मिलेगा, इसी कारण ऑटो चलाते हैं, और वो भी जो है लोन लेकर ऑटो खरीदे थे, और ऑटो खरीदने का मतलब कि ये कंपनी में फंस गए, कंपनी में फंसे इस कदार कि अभी भी जो है 40,000 रुपया इन पे कर्ज है। 420 करता है, फरकटी करता है लोग। अच्छा। हाँ, फाइनेंस से गाड़ी लिए? हम तो महिंद्रा फाइनेंस से लिए हैं। अच्छा। हाँ, तो आपका एनओसी वगैरह दे दिया? हमारे तो अभी 15 महीना है। कहाँ से देगा? 15 महीना हुआ है सर। 15 महीना। हाँ हाँ, बाकी और लोगों के साथ? हाँ, और लोग का यही समस्या है। समस्या? हाँ, दो के ज्यादा आपको भरना पड़ेगा, चार को कैसे भरना पड़ेगा? अच्छा। हाँ, जब करवाइएगा तब कहेगा ऐसे हो गया, उससे हो गया। धमकी वगैरह भी देता है गाड़ी? धमकी नहीं देता है उतना, धमकी बाकी देगा सब, मैडम उडम फोन करती है। अच्छा।
अच्छा। कि आइए ना सर, जमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यही सब है बात भैया जी। और कर्ज सधाना होगा तभी जो है हिंदुजा लैंड फाइनेंस इनका एनओसी देगी, और एनओसी देगी तभी ये गाड़ी को जो है बेच सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो बिना एनओसी का कोई खरीदेगा भी नहीं, ना ही बेच सकते हैं, और पुलिस प्रशासन जो है इसको इनको पकड़ भी सकती है, इस मतलब इस पे हिंदुजा फाइनेंस FIR भी कर सकती है इन पे कि अभी तक मेरा पैसा बकाया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि भाई का आवाज़ जो है ये हिंदुजा फाइनेंस लैंड जो है हिंदुजा लैंड फाइनेंस इनके मैनेजर साहब तक ये बात पहुंचे, और मैनेजर साहब ऐसे ऐसे ऑटो चालक से विनती रहेगा कि इनको माफ़ कर दिया जाए और इनको NOC प्रदान करा दिया जाए। जय हिंद दोस्तों।